कंडीशन डिफरेंट है और इसलिए ये मॉडल भारत पे अप्लाई नहीं हो सकता है। आपने ऐसा किया 50 साल में, यदि नहीं किया तो आप मेरिट की बात नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो केस स्टडीज है, हम यूएस की केस स्टडी पढ़ाते हैं, हम यूके की केस स्टडी पढ़ाते हैं, हम डेवलप कंट्रीज की केस स्टडी पढ़ाते हैं, लेकिन हम भारत की केस स्टडी नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए और जिनके बहुत बड़े प्रोफेसर हुए हैं अभिजीत सेन, उन्होंने भारत सरकार के पॉवर्टी के एस्टिमेशन के डेटा पे बहुत सवाल उठाए हैं। एक बार मेरा उनसे बात हुई थी तो मैंने कहा कि सर, सिस्टम से बाहर रह के सवाल उठाना और किसी की मेरिट पे सवाल करना तो बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, लेकिन आप ये बताइए कि पॉवर्टी का एस्टिमेशन का डेटा पे आप प्लानिंग कमीशन पे तो सवाल उठाए हैं, लेकिन 10 साल आप प्लानिंग कमीशन में रहे, आपने अल्टरनेटिव आइडिया क्यों नहीं दिया? और यदि आपने अल्टरनेटिव आइडिया नहीं दिया गया तो आप काहे की मेरिट की बात करते हैं? और ये जो खेल खेला मेरे खुद के साथ में हुआ, मेरा एम फिल में यहाँ सिलेक्शन हुआ था गिनीज बुक ऑफ इकोनॉमिक्स में, टेस्ट हमने तोड़ दिया, लेकिन 12 कैंडिडेट थे, 6 कैंडिडेट लेने थे, लेकिन इंटरव्यू में इन्होंने नहीं लिया। जेएनयू के अंदर ये जो वाइस चांसलर है, जिस सेंटर का, सेंटर ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस का, जिसका टेस्ट मैंने दिया, आपको विश्वास नहीं होगा 70 में से 47 मार्क्स थे, मैंने निकलवाया था, और 49 ओबीसी कट ऑफ रखी और मुझे एक नंबर 30 में से इंटरव्यू का दिया गया था, बताइए। और आप सोच के देखे 30 मिनट इंटरव्यू चला था, 25 से 30 मिनट, एक नहीं 3 सेंटर में दिया था, कहीं पे एक नंबर का, कहीं पे 2 नंबर का। तो ये जो गेम चल रहा है, इस गेम को समझने की जरूरत है। और दूसरा ये है कि इन लोगों को एक ये जो माइंडसेट है, हमने जो सारी चीजों पे सवाल उठाए, बोले कि मेरिट की बात है, मैं बोला कि आप मेरिट की बात करते हो ना, तो मेरिट की बात कैटेगरी पे ही नहीं होगी, मेरिट की बात सब पे होगी ना। आप मान लिया कि 97 के बाद में जो रिजर्वेशन आया है, उसके बाद में सारे लोग मूर्ख भर्ती हुए हैं, नॉन मेरिटोरियस हुए हैं, हम मानते हैं आपकी बात जो कहते हैं उस पर एग्री है कि एस सी एस टी के लोग, ओबीसी के लोग आ गए और उन लोग नॉन मेरिटोरियस इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया, हम इस चीज से एग्री है, लेकिन 47 से लेके 97 तक कोई रिजर्वेशन नहीं था। तो उसके आज ये बताइए, एक व्यक्ति ने हमसे सवाल पूछा था फेसबुक पे, तो मैंने पूछा कि आप ये बताइए कि 47 से लेके 97 तक तो मेरिट वाले ही थे, कितने लोगों की रिसर्च, देखिए पीएचडी तो सब करते हैं, हमें भी पता है कि कौन कौन कैसे कैसे पीएचडी करते हैं, लेकिन रिसर्च वो होती है जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज हो, और रिसर्च वो होती है जो सोसाइटी के काम आए। जब मैं उसने मेरिट का सवाल उठाया तो मैं बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 8 से 10 हजार प्रोफेसर रहे हैं 97 तक, आप मुझे बता दीजिए कितने प्रोफेसर की रिसर्च है वो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज हुई है, और कितने की रिसर्च है वो सोसाइटी के काम आई है। हमें सारा पता कि रिसर्च के नाम पे कैसे विदेशों में यात्राएं की जाती हैं, कैसे पैसे काटे हैं, कैसे पैसे लिए जाते हैं, कैसे आईएससी की जाती है, हमें सारा खेल माजरा समझ में आता है। और दूसरा मैंने सवाल, उसने 3 लोगों के नाम बताए कि हमारे पीवीसी साहब बहुत बड़े ब्रिलियंट आदमी है और इनकी रिसर्च इतने लोग, मैं बोला कि मान लेते तुम्हारी बात सही है, लेकिन 10 हजार टीचर हैं और आपको 50 साल का हिसाब देना है, हजारों लोगों का नाम चाहिए, एक दो से काम नहीं चलेगा। नहीं, हमें भी वो चीजें पता है, कॉलेजों में ये बात होती है कि जी हम तो 90 से हमारा 62 में इंटरव्यू था और हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट आए थे, बात ये थी कि इंटरव्यू तो खराब हो गया था, कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पहले बात हो गई थी तो अपॉइंटमेंट हो गया, तो मैं बोला ये तो मेरिट नहीं होगी, सवाल तो उन पे भी उठेंगे। और जहां तक मेरिट की बात है, हमने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो मेरिट की बात करना अपने आप के साथ में बदतमीजी करना है, हमें पता कि कैसे कैसे प्रोफेसर्स बनते हैं और हमें सबकी कुंडली पता है, एक एक का उतने बजाय कि हमने कहा कि जिस आदमी का, जो आदमी कैसे कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर पे अपॉइंटमेंट हुआ है, चेयरमैन का एक पैर इधर से पकड़ता है, दूसरा उधर से पकड़ता है, उसके बाद में परमानेंट के लेटर पे साइन होते हैं, आज प्रोफेसर बनते हैं, मेरिट की बात करते हैं। और मेरिट की बात होगी तो आप बस दो चीजों, मेरिट की बात होगी तो आपको
कंपेरेटिवली मेरिट होगा, आप जो एब्सोल्यूट मैनर में मेरिट के कंपैरिजन नहीं कर सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जो मेरिट की बात कर रहे हो तो मेरिट की बात आपकी जो आप ऑक्सफोर्ड डी स्कूल के प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं, यूके में पढ़े हुए हैं, ब्रिटेन यूएसए में पढ़े हुए, आपके जो मेरिट का क्राइटेरिया है उसका कंपैरिजन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ में होगा, आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी या किसी बिहार की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ में नहीं हो सकता। यदि आप उनके उनके कंपैरिजन में नहीं बैठ रहे हो तो नॉन मेरिटोरियस हो। और एक चीज मैं दो तीन चीजें और एक ऐड करना चाहूंगा इसमें, ये तो मेरिट और नॉन मेरिट की बात हो गई, जिसको सोशल मीडिया पे आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, समाज में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि हम रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, मेरिट नहीं मांग रहे हैं, रिजर्वेशन की बात नहीं है, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और 13-point रोस्टर के अंदर सिंपल सवाल आपकी दो पोस्ट जहाँ पे हैं वहाँ पे कैसे आप 7.5%, 27% और 15% आप रिजर्वेशन दोगे जरा बता दीजिए। और ये सरकार का और ये जो केस का जजमेंट आया, मैं आपको बताता हूँ, ये प्री प्लान आया गया है, इसके बहुत सारे तथ्य आप जजमेंट को पढ़ोगे और चीजों को इंटरलिंक करोगे तो पता चल जाएगा ये प्री प्लान टारगेटेड जजमेंट है, ये किसी से बैठ के लिखवाया गया है और पहले बात करके केस फाइल करवाया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट को एक जजेस की या दो जजेस की बेंच रिप्लेस नहीं कर सकती है। और दूसरी चीज है कि अब आपको एक चीज ये है कि आपके लोग यहाँ पे 10, 20, 50, 100 लोग हैं, वो लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं उतनी जितनी जरूरत है। सिस्टम में लोगों को लाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि कैसे लोग सिस्टम में आए। अपने को ये तय करना पड़ेगा कि भाई इन कैटेगरी के लोगों के साथ में आप ये सवाल उठाइए कि 2007 का रिजर्वेशन की 2018 तक सीटें क्यों नहीं भरी गई, इन सीटों पे जितने लोग काम करें इन कैटेगरी के इन लोगों को इमीडिएट इफेक्ट से सिस्टम का पार्ट बनाया जाए, प्रोसेस आप तय करिए, हमें नहीं पता है। आप इनका जब 77 में अब ये बात करते हैं कि अब जो ऑप्शन में मूल जो आर्टिकल 14-16 ये वो सारी चीजें बात करते हैं, 77 में भी फंडामेंटल राइट्स थे ना, तब भी 400 लोगों का हुआ था ना, तो 2018 में कौन सा पार्ट टूट रहा है। जरूरत विल पावर की है, एक सिंगल कारण है कि 2500।